बमोरी, ये है सागर में और ये है मेन रोड और यहाँ पर आ चुकी है रेलवे क्रॉसिंग और यहाँ से अंदर की तरफ रास्ता गया है माता की टेकरी पर जाने का। तो चलिए चलते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभु शंकरा। तो ये पूरा एक गांव का फील आपको देगा क्योंकि ये गांव ही है और मेरे देश की धरती सोना उगले और ये भी एक जंगल ही है। तो मैं आ चुका हूँ जंगल में, फिर सागर में और बस ऐसे ही भटक रहा हूँ, भटक नहीं रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक और जगह, एक बहुत ही अच्छी जगह प्रचलित है, वो टेकरी पे मंदिर है। तो अपन वो मंदिर चल रहे हैं, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा पहाड़, उस पहाड़ पे हमको चढ़ना है और जाना है। तो शायद एडवेंचर जैसा होगा कुछ, पर वैसा कुछ होगा तो ठीक है। बच्चे ये बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। महादेव के लिए एक कनेर का फूल ले लिया है मैंने और महादेव को चढ़ाना। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, लगे हुए हैं कनेर के फूल के। रास्ते में आपको अगर कुछ खाना है, कवीट, तो कवीट आप खा सकते हैं, ये कवीट का पेड़ है। हर हर महादेव, छोटे कवीट है। वो रही टेकरी, कितना अच्छा लग रहा है यार। तो हाय वेलकम गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर, धार सुनार पर। आप लोग कैसे, मुझे लगता है एकदम झकास होंगे। वैसे कई बार हो चुका है ये कि दार सुनारते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनारते। तो गाइस जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, धनाधन। और मैं अभी इस वक्त आ चुका हूँ सागर में और बस यूं ही अकेला राही, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और पूरा जंगल ही जंगल है और सब दूर पेड़ पौधे हैं। एक जंगल जो पचमढ़ी में था, सतपुड़ा का पर्वत, सतपुड़ा के घने जंगलों में, वो यात्रा बहुत ही सफल रही, बहुत अच्छी रही और काफ़ी अच्छे व्यू भी आए, बट फिर भी थोड़ा बहुत कम है। बट कोई बात नहीं, आप लोग यूं ही सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो अभी मैं चल रहा हूँ इस रोड पर जो कि ये फील दे रहा है गांव का पूरा है ना। देखिए इधर से गाय ढोर भी जाते हैं तो गोबर वोबर करते हुए इधर से पानी की आवाज़ आ रही है कहीं से, कीचड़। मुझसे एक दादा ने ना अमर बेल मंगवाई थी, जो ये अमर बेल लगी है ना पीली पीली, ये मंगवाई थी। हालांकि याद रहेगा तो तोड़ के ले जाऊंगा अमर बेल, वो आँखों के लिए या ऐसा कुछ, हाँ उसका अर्क बनाना चाहते हैं, वो अर्क बनाएंगे फिर। तो लीजिए गाइस, फाइनली आ चुके अपन भमहोरी रेंगुआ गाँव में और यहाँ पर एक स्कूल भी है, शासकीय प्राथमिक शाला। और यार कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ पर देखिए एक बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है वो, और उसके नीचे चबूतरा बना हुआ। चलिए पास ही चलते हैं अपन। हर हर महादेव। तो ये लीजिए नज़दीक आ चुके हैं, पीपल का पेड़ है और चबूतरा बना है उसके पास, सारे यहाँ के जो गाँव के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार, जैसे पुराने उपन्यास पढ़ता हूँ ना मैं, तो ऐसे दृश्य के बारे में लिखा रहता है और मैं कल्पना करता हूँ। और सामने की तरफ वैष्णो देवी दरबार, वहाँ से चलेंगे ऊपर हर हर महादेव शिव शंभू। और यहाँ की स्टोरी भी हम बाकायदा ऊपर कोई महात्मा बैठते हैं उनसे ज़रूर पूछेंगे अपन। हर हर महादेव शिव शंभू। वैसे यहाँ पर अभी काम वाम वगैरह कुछ चल रहा है। हर हर महादेव शिव शंभू, जय माँ वैष्णो देवी दरबार भमोरी रेंगुआ। तो चलिए चलते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर, जय शिव हर हर महादेव। भाई जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा, धन्यवाद। बोलिए भैया आप लोग यहीं रहते हैं क्या, बात है ये मंदिर के बारे में कुछ बताओगे? फिर उसके बाद में तई की याद मनो करवाई नई देवी की स्थापना। अच्छा हाँ। पहले पुरानी देवी थी हाँ। फिर नई देवी की स्थापना 30 साल पहले हुई हाँ। 30-40 साल पहले हाँ। है ना। और ये नहीं पता तुमको कि कब से ये मंदिर बना हुआ? नहीं हमारे लिए नहीं पता। ये नहीं पता आपको? ठीक हाँ। है, आप यहीं रहते हैं? कितने मतलब नवरात्र में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती होगी?
बंदर वंदेर हो गए ऊपर? नहीं, नहीं है ना, कुछ नहीं। डरावना तो कुछ नहीं है? नहीं। ऐसा? चलिए, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगता ऊपर। चलिए गाइस, बहुत अच्छा लगता है तो आप लोगों को मैं दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ ऊपर तक पेड़ियाँ बनी हुई है। हर हर महादेव, शिव शंभु शंकर। जय श्री राम। अभी है ना, यहाँ पर कुछ काम वगैरह भी चल रहा है। ये क्या बन रहा है? टंकी बन रही है, कुआ, पानी की टंकी, मतलब कुआ। हर हर महादेव। साला 10-15 सीढ़ी चढ़ा और हाथने लग गया। हर हर महादेव। चलिए चलते हैं, हर हर महादेव। जय शिव शंभु। ये पहाड़ को काट कर ये बनाया गया है, ये देखिए। नहीं तो यहाँ से भी है ना, इस जंगल से भी रास्ता नहीं था माता रानी के पास पहुँचने का। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। यहाँ पर पहला मंदिर आ चुका है। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय प्रभु। ओम नमः शिवाय। यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब है। यहाँ से पूरा सागर दिख रहा है। हर हर महादेव शिव शंभू। ये तो अभी बस चुका है थोड़ा, वरना ये तो नहीं बसे होंगे तो पूरा घना जंगल होगा। हर हर महादेव। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। जय शिव शंभू शंकर। हाँ यार, इनने ये सब पहाड़ को काट कर ये सीढ़ियाँ बनाई हैं, बहुत अच्छा है। हर हर महादेव। समथिंग 200-300 सीढ़ियाँ होगी, ज़्यादा हो सकती है, पर बहुत अच्छा लग रहा है यार। अगर आप लोग सागर आ रहे हो ना, तो आप लोग माता वैष्णो देवी के दरबार भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ठंडी ठंडी हवा और ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बारिश का मौसम चल रहा है पर बारिश नहीं हो रही है अभी, और ये बहुत मोटी टी शर्ट पहन के रखी मैंने तो गर्मी भी बहुत लग रही मुझे। हर हर महादेव। और ये गेट है जो लगा हुआ है, अपन खोल सकते इसको। फाइनली गेट खोल दिया अपन ने। हर हर महादेव शिव शंभु। ये यहाँ पे भी कनेर का झाड़ लगा हुआ है। हर हर महादेव। जय माता दी। हर हर महादेव शिव शंभु। तो सबसे पहला मंदिर आता है बजरंगबली का, सीताराम सीताराम जय सीताराम। तो बजरंगबली का मंदिर, जय जय प्रभु। सब सही करना। मेरे परिवार की ओर से राम राम, मेरे दोस्तों की ओर से राम राम, वो जिन्हें भूल गया हूँ उनकी ओर से राम राम, और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से राम राम। हर हर महादेव शिव शंभु। इधर का भी प्रभु। बजरंगबली से इजाजत ले ली अपन ने और ये पूरा अच्छे से विजिट करते हैं, पर यहाँ पर भी कोई दिख नहीं रहा। एक बोला तो गया था मुझे कि कोई मिलेंगे तुमको। चलिए हर हर महादेव। ये बहुत ही पुराना मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराना, खंडर भी काफ़ी हो चुका है। जय जय माता दी। हर हर महादेव। जय माँ। वैसे ये है माता रानी की प्रतिमा, यहाँ पर ऊपर पहाड़ों पर बसी है माँ। हर हर महादेव शिव शंभू शंकर। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। वैसे यहाँ पर रोज पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ तो हो चुकी है पूरी प्रॉपर, और दीपक हमेशा जलता रहता है शायद। देखिए हर हर महादेव। अभी यहाँ पर बनेगा ये पूरा मंदिर प्रॉपर तरीके से, अच्छे से बनेगा।
हर हर महादेव, जय माता दी। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद जय भैरव महाराज की जय हो। तो ये है भैरव महाराज, हर हर महादेव। हाँ, बहुत शांत वातावरण में बैठे हैं सब। हर हर महादेव शंभु, जय हो प्रभु। हर हर महादेव शंभु। आपको पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे, 1 2 3 पूरा हरियाली से भरपूर हर हर महादेव सागर, पूरा हरियाली। मैं अभी अपने रूप को निखार रहा है, काफी अच्छा लग रहा है हर यहाँ पर। हर हर महादेव, बहुत शांति वातावरण है। जय बजरंगी मेरे प्रभु, जय माता दी। यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ माता रानी का, जय माता दी। और यहाँ बैठे हैं मेरे महादेव, हर हर महादेव शंभु शंकर। हर हर महादेव, जय हो प्रभु, जय हो शिव शंकर, नारायण नारायण, हर हर महादेव। नारायण शंकर नारायणी नारायणी नारायण, गणपति बाप्पा, हर हर महादेव शिव शंभु। यहाँ पर विराजमान है नंदी जी, जय हो नंदी प्रभु, हर हर महादेव शिव शंभु। और इस तरफ है एक और मंदिर, हर हर जय शिव शंभु शंकर। जय श्री राम राम, जय माता दी, माता दी, जय माता दी। माता रानी की प्रतिमा रखी हुई है, और यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं बकायदा। और यहाँ से इस हरियाली का आनंद ले सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हर हर महादेव शिव शंभु। बहुत अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पर बहुत सुनसान है, कोई भीड़ वगैरह बिल्कुल नहीं है, पर जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी है ये जगह। और यहाँ पर बनी है ऊपर एक कुटिया, जहाँ पर कोई रहते हैं पर अभी नहीं है। और हैं, और यहाँ पर मतलब रुककर आप नहा धो सकते हैं, ऐसा कुछ रुकने की भी शायद व्यवस्था होगी, कोई अगर होंगे तो शायद उनके पास ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा आराम वाराम करने के लिए। और यहाँ पर एक आंटी आए हुए हैं जो कि पूजा करने के लिए। आंटी हर हर महादेव, अब यहीं के रहने वाले? अच्छा, नीचे ही है। अच्छा, हाँ, हम दर्शन करने आए। मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर के बारे में जी, माता बाई है, माता बाई वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। हाँ, अच्छा, जमीन से निकली थी। ये पुरानी देवी, ये जो मंदिर में है ये पुरानी देवी है। इतना मेला इंदौर भोपाल उज्जैन बम्बई दिल्ली की सब रोड से लगा के इतने मेला, पूरे पहाड़ पे झंडे झंडा और नौ सिंगली कल सुबह बारी नारंगा भक्ति और प्रसाद की ढेर लगी रहते। अच्छा, यज्ञ है खूब, कुछ जाने कहाँ कहाँ की पावा मेरा भी खूब यज्ञ होते, प्रसाद चढ़ाते, तसलो बंद तो मिला तो प्रसाद। अच्छा, हाँ, और 4 महीने इतनी बज गई थी, इतनी बज गई थी जिनकी न जानने बैठा थी, आँख भूख रही थी, इधर भी पनवी सिरी का करो आदमी पैसा जुड़े, गाँव वालों ने खा ले गाँव वालों ने,
फिर कलेक्टर ने चढ़ाई करी रपुर करी हल्को सा क्या फोड़ दी अच्छा मूर्ति तोड़ दी थी पहले अच्छा करा था पूजा अच्छा मतलब पहले यहाँ पर पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और कचहरी भर भर लिया पेड़ पौधों पर डाले पौधा लगाए माला पूजा करे अच्छा करते आदमी कोई नहीं आता सत्य में आते कुछ जा जी आते हम जान आते ही रहे सब रे जी तो हम सुरेंद्र चौधरी कम प्रदीप लहरिया कम कोरे ले तैयार आदमी माला ले ले जाए और सब रे गाँव भर के झूठ के झूठ हम के में तो मोर भगवान उनको तो पूज रही और घर अपने गांव में देवी को नहीं पूज रहे देवी को नहीं पूज रहा और हमने कही अपने तो पूरे तीरा थे और तो नहीं कर रहे कोई तो उनने कही के कहे अब सब जनों हम बातसी लग गई सब जनों ने फिर चंदा करो फिर नई देवी इस तारी में भी बैठी है अच्छा वो बड़ा मंदिर जो बना है सब नई देवी इस तारी में फिर हिस्सी जोड़ के अच्छा पचास आदमी से भी नहीं उठी थी अच्छा अब कोई नहीं आता यहाँ पे अब जो जीना बन गया गरीब कर के जीना बना दो अच्छा हाँ जीना बना दो अब चंदा मंदा को जरा थोड़ा थोड़ा जो सामान हो जाता है ना अभी और काम चलेगा अभी है ना तो बहुत पहले बहुत फेमस था मंदिर ये हमारी आत्मा से तो निकली थी हम तो ये छोड़ के चाहते चलो अच्छी बात है चार दिन कर भी अब तो ऊपर है नंद और भी कहने लगी हमारी जेठानी खोद के निकाली है पचास आदमी हरी पूरे गाँव में हल्ला पर सब आ गए सपरा रहा फिर हम आए देख गए हम चले गए घरे हम सो गए अब देखे लगी अब जे गई सपने सजीवा ऐसे हम नींद तन तपिस लगी ऐसे एक कपड़ा लाए मली लाए त्रिशूल लाए हाथ में खप्पल लाए वाले ऐसी बंकर गई ऐसी बड़ी अच्छी हाथ डेरी मली ला उठा ले मटी मली दा मली दा दूध मली रखे है दूध मली दा उठा ले कांकर उठा ले तोरा बेटा भाग गई मुझे लोनी है कोशिश करा जी लो लोनी हम भूल गए भज्जा अब हम बीमार हो गए हाँ मोड़ा दूध न पी गए फिर हम फिर जब इतने खोल के आए जब हम बिल्कुल अच्छे हो गए बिल्कुल अच्छे हो गए अच्छे हो गए माता रानी का चमत्कार था फिर उनकी पूजा कर रहा भाई से कितने साल हो गए मंदिर को 25 साल हो गए है ना तो ये तो ना मिला लगो तो के मुझे उसका कर बस यहाँ पर बंबई की और मिला लगो तो कुछ नहीं आता है ना मेला लगो तो रोड से अच्छा पूरे पहाड़ चलिए आंटी हर हर महादेव तो ऐसे अपन को ये मंदिर की स्टोरी भी पता चली बकायदा ठीक है कि 25 से 30 साल हो चुके हैं और पहले बहुत ही ज़्यादा फेमस था बहुत सारे लोग आया करते थे अब नहीं है अब नहीं आते बट नवरात्रि में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती होगी यहाँ पर नवरात्रि में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती होगी जय माता दी हर हर महादेव।